सुप्रभात बच्चों, कल मैम ने आपको आपके नैतिक शिक्षा बुक का पार्ट 15 श्याम जी कृष्ण वर्मा पढ़ाया था और मैम ने आपको उनके बारे में बताया था कि वह स्वामी दयानंद जी के परम भक्त थे और वह उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने अपनी सारी शिक्षा इंग्लैंड में रहकर प्राप्त की थी। वे बाहर रहे लेकिन फिर भी बाहर रहकर भी उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। तो आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन थे। तो इसका उत्तर है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद जी के परम भक्त थे और वे पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 2, श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 में गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा की शिक्षा कितनी और कहाँ हुई। तो इसका उत्तर है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा को संस्कृत का गहरा ज्ञान था, वे टेंपल इन में शामिल हुए और प्रथम भारतीय बार एटला हुए। टेंपल इन जो है वो एक कॉलेज का नाम है और वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई की और वह प्रथम भारतीय बार एटला हुए। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा किससे प्रभावित हुए और इस प्रभाव का उनके जीवन में क्या परिणाम हुआ। तो इसका उत्तर है कि स्वामी दयानंद सरस्वती से श्याम जी कृष्ण वर्मा अत्यंत प्रभावित हुए और बम्बई आर्य समाज के वे प्रथम अध्यक्ष भी बने। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि इंग्लैंड में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस प्रकार की गतिविधियां की। तो इसका उत्तर है जनवरी 1905 में वे इंग्लैंड गए और वहां सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। उन्होंने एक मासिक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी आरंभ किया जो क्रांतिकारी विचारों का एक माध्यम बन गया। भारत में उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा करने वाले भारतीयों की सहायता करने के लिए लंदन में इंडियन हाउस की भी स्थापना की, जहां से बहुत से भारतीयों ने लाभ भी उठाया। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा को इंग्लैंड क्यों छोड़ना पड़ा और वे वहाँ से कहाँ कहाँ गए। इसका उत्तर है श्याम जी ने पैम्पलेट छपवाकर, पुस्तकें लिखकर और भाषण देकर ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया। इन राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें इंग्लैंड छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया, अर्थात उन्हें मजबूरी में इंग्लैंड छोड़ना पड़ा। वे पेरिस गए जहां भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उन्होंने अपनी गतिविधियां जारी रखी। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के कारण वे पेरिस में भी नहीं ठहर सके और उन्हें स्विट्जरलैंड में जिनेवा जाना पड़ा। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। आज आप सब इन प्रश्न उत्तर को अपने अपने नैतिक शिक्षा की नोटबुक में लिखेंगे भी और उन्हें याद भी करेंगे। धन्यवाद।